नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी को जानकारी बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती यहां पे हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसका जो है यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, फर्स्ट लिस्ट यहां पे आ चुका है। और सभी छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया था वो अपना यहाँ पे जो है मेरिट सूची में नाम चेक कर सकते हैं। सभी कैटेगरी की जो मेरिट सूची यहाँ पे जारी हो चुकी है आज, तो यहाँ पे 28/12/2022 को जो लिस्ट आई हुई है उनमें उस लिस्ट में जितने भी आवेदकों का नाम है वो अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो प्रोसेस है उसकी भी डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो समस्त छात्र अपना रिजल्ट देखें, मेरिट सूची में नाम देखें। अगर जिन भी छात्रों का मेरिट सूची में नाम आया है वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं, आईडी लॉगिन बना सकते हैं और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI द्वारा जो है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की जो वैकेंसी है उसके आधार पर यहाँ पे सूची जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट आवेदकों की जो सूची है उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसके बाद जो प्रतीक्षा सूची है यानी जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो भी आ चुकी है, 29/12/2022 से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होंगे और 4 जनवरी 2022 तक आप जो है अपलोडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे 7 दिन का आपको टाइम दिया गया है। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में बता देंगे। सबसे पहले आप वहाँ पर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का ऑप्शन है, हम जो है इसकी वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं। trc.mponline.gov.in की जो वेबसाइट है वहां से इस साइट पर पहुंच सकते हैं। अभी ये साइट जो है यहां पे बहुत स्लो चल रही है क्योंकि अभी यहां पे जो है इस पे अपलोडिंग चल रही है और इस पर जो है कुछ लिस्टें अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जैसे ये साइट जो है कल से बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगी, यहाँ पे अभी अपलोडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक का ऑप्शन है, प्राथमिक शिक्षक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस टाइप से पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कैंडिडेट लॉगिन या सिगअप का ऑप्शन देख सकते हैं। जिन भी छात्रों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस वीडियो आपको दिया जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बिल्कुल कोई गलती ना करें, आप एक दिन जो है वेट करें, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी और अपने सही सही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करें जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम ना जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेट देखने को मिल जाएगी। प्राथमिक शिक्षक जो है यहाँ पे चयन सूची जारी की गई है जिसमें फ्रेश सूची है, बैकलॉग सूची है और वेटिंग की सूची है जो कि 28/12/2022 को अपलोड कर दी गई, यानी आज अपलोड कर दी गई है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है सूची देखने को मिल जाएगी। ये फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे सूची दी गई है जो कि यहाँ पे फ्रेश वैकेंसी की सूची है। तो यहाँ पे जिन भी छात्रों ने फ्रेश सूची है यानी कोई गेस्ट नहीं है वो यहाँ पे अपना जो चयन सूची है उसमें नाम चेक कर सकते हैं। इसमें समस्त कैटेगरी के छात्रों की सूची दी गई है। इसके बाद नीचे जो सूची दी गई है ए बैकलॉग कैटेगरी के लिए है और तीसरे नंबर पर जो सूची दी गई है वो प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट है। इसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में बताएंगे आपको, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चयन सूची के ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे चयन सूची में आपको इस टाइप से पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जनरल, ST, SC, OBC और EWS पांचों कैटेगरी हैं, आप एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको गेस्ट फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी से हैं तो GF सिलेक्ट करेंगे, अगर आप बिना गेस्ट फैकल्टी से हैं तो NGF सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे आप जो है शो बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे अभी ये जो साइट है थोड़ा स्लो चल रही है इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है, यहाँ पे इन आवेदकों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितने नाम दिए गए हैं जनरल कैटेगरी के, जो 1084 यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसमें आपका जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे 80/52 तक गया है। तो यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी की जो छात्र छात्राएं हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, वो यहाँ पे अपना देख सकते हैं। यहाँ पे जिन भी आवेदकों का नाम है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। कल से अपलोड का जो पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, वहां पे जाकर आप अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने की जो फुल प्रोसेस है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आप जो है
इसके बाद आप जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन पर जाकर आप अपनी वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं समस्त कैटेगरी की, और यहाँ पे गेस्ट और नॉन गेस्ट की वेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेटिंग लिस्ट का बाद में जो है यहाँ पे दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की तिथि है वो 29 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक होने वाली है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बताने वाले हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मेरिट लिस्ट देख लें। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तैयार के रखने के लिए क्या क्या आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको हम दूसरा वीडियो देने वाले हैं, उसमें आप जानकारी देख सकते हैं। समस्त प्रकार की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी, और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, जो भी है वो यहाँ पे आपको तैयार रखना होगा। तो यहाँ पे जो है और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे।